बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर इन दिनों बिल्कुल अलग तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वह इस तरह की फिल्में चुन रहे हैं जो उन्होंने अभी तक नहीं की है। इन फिल्मों में ज्यादातर एक्शन और थ्रिलर फिल्में हैं। उनकी फिल्म शमशेरा और ब्रह्मास्त्र पर काम चल रहा है और अब उनकी एक नई फिल्म सुर्खियों में है। एक निजी न्यूज चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक कबीर सिंह फिल्म के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की अपकमिंग फिल्म डेविल में काम करते रणबीर कपूर नजर आएंगे। रणबीर कपूर पिछली बार अभिनेता संजय दत्त की बायोपिक फिल्म संजू में काम करते नजर आए थे। इस फिल्म में उन्होंने संजय दत्त की भूमिका निभाई। जानकारी के मुताबिक संदीप ने यह स्क्रिप्ट पहले एक्टर महेश बाबू को दिखाई थी, लेकिन उन्हें यह जरूरत से ज्यादा डार्क लगी। संदीप की डेब्यू बॉलीवुड फिल्म कबीर सिंह बॉक्स ऑफिस पर काफी हिट रही थी। फिल्म में शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी लीड रोल में थे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 278 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। फिल्म का लोगो रिलीज किया जा चुका है और अब फैंस को इसके टीजर और ट्रेलर वीडियो का इंतजार है। जहां तक डेविल में रणबीर कपूर के काम करने का सवाल है, तो अभी तक इस बात की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी टीवी और फिल्मी गलियारों से जुड़ी हुई लेटेस्ट गॉसिप्स जानने के लिए देखते रहें फिल्मी पंचायत।